राम राम जी सारा ने। तो आज मैं आपने खुआऊंगी गुजराती खाना। गुजराती खाने में है आज खिचड़ी और आलू बैंगन की सब्जी और मीठी कढ़ी, जो गुजरात का फेमस खाना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है चूल्हे के ऊपर, उसके बाद मैं काटूंगी सब्जी। तो सब्जी में बैंगन और आलू की सूखी सब्जी बनाई जाती है, तरीदार नहीं बनाई जाती उसके अंदर। तो चलिए जल्दी जल्दी हम बैंगन और आलू को काट लेते हैं। उसके बाद प्याज टमाटर सब कुछ काट के मैंने कर दिया है रेडी। तो सब कुछ रेडी करने के बाद मेरी ननद जी छूक रही हैं सब्जी, क्योंकि मुझे मेरी ननद के हाथ की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और जब भी वो यहाँ पे आती है एक महीना डेढ़ महीना, तो सब्जी मैं उनसे ही बनवाती हूँ, काट के सब वगैरह रेडी करके दे देती हूँ और छौक उनसे ही लगवाती हूँ। कहते हैं किसी किसी के हाथ में टेस्ट अच्छा है। देखिए सबसे पहले लहसुन को अच्छे से कूट लेते हैं और तेल चढ़ा दिया है। तेल गर्म होने के बाद उसमें हम जीरे का छौंक लगाएंगे। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस दिखाया जाएगा, अगर आप ट्राई करेंगे तो देखिए आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ इस सब एक बात है, इसको बनाने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, कम से कम भी 2-2.5 घंटे लग जाते हैं आराम से इस प्रोसेस को करने के अंदर, क्योंकि 3-3, 4-4 चीज़ें बनानी पड़ती हैं इसके अंदर। इसलिए सबसे पहले नमक डाल दिया है और उसके बाद जीरा। नमक डालने का कारण ये है कि थोड़ा जो तेल होता है ना वो कम बढ़ता है, पुरानी दादी और जिस तरह कहा करें। उसके बाद प्याज और हरी मिर्च डाल दिए और मैं एक तरफ चढ़ा दी है चाय। मम्मी को चाय पीनी थी इसलिए। वैसे 3 गैस का फायदा होता है, एक साथ दो दो तीन तीन चीजें बन जाती हैं, वैसे थोड़ा फास्ट होना पड़ता है, इतनी बात है। अब लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाल दिया है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा प्याज और हरी मिर्च बिल्कुल अच्छे से भुन गई हैं। उसके बाद लहसुन का पेस्ट डाला है और इसके पकने के बाद हम टमाटर डाल देंगे इसके अंदर। ये पक चुके हैं अच्छे से, अब इसके अंदर डालेंगे टमाटर, अच्छे से मिला लेंगे इन सबको। उसके बाद इसमें ऐड होंगे मसाले सारे। तो देखिए मसालों में सबसे पहले डाला है नमक, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद धनिया डाला है, हल्दी डाली है। गरम मसाला हम यूज़ नहीं करते हैं, हम बिल्कुल सिंपल खाना ही बनाते हैं, ज़्यादा मसाले वगैरह यूज़ नहीं करते। जो घर में रेगुलरली लाल मिर्च हल्दी धनिया जो यूज़ होते हैं उनको मिलाकर ही हम सब्ज़ी बनाते हैं हमेशा ही। बाकी तीखी सब्ज़ी हमारे घर में ना तो कोई खाता है ना हम बनाते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है सब्ज़ी के अंदर। अब बारी आती है सब्ज़ी को मिक्स करने की। तो मेरी चाय भी वहाँ पर हो गई है रेडी और उसके साथ ही एक बैंगन थोड़ा सा ख़राब आ गया। तो अब डाल देते हैं सब्जी को कुकर के अंदर। इसमें पानी वगैरह नहीं मिलाएंगे, अगर पानी मिलाएंगे तो तरी वाली सब्जी बन जाएगी, तो इसी में हम सिटी मरवाएंगे बिना पानी मिलाए। लगती नहीं है बिल्कुल भी नीचे, ऐसी बात नहीं है कि सब्ज़ी नीचे लग जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स करके और 3 सीटियों में ही सब्ज़ी हो जाएगी हमारी रेडी। तो इसके बाद ढक्कन लगा के हम देते हैं छोड़, उसके बाद मेरा काम हो जाता है स्टार्ट। तो चलिए कढ़ी बनाना करते हैं स्टार्ट। तो ये बिल्कुल पतली कढ़ी बनती है, जैसे और कढ़ी हम खाने के लिए बनाते हैं वो थोड़ी गाढ़ी होती है जो रोटी के साथ खाई जाती है, लेकिन ये मीठी कढ़ी होती है ये थोड़ी पतली ही होती है। तो इसमें लस्सी और पानी मिक्स करेंगे और मिलाएंगे बेसन। बिल्कुल पतला पतला घोल ही इसके अंदर तैयार करना है हमने। थोड़ा सा मसाला कम हो गया था तो मैं पहले मसाला दानी में मसाला ऐड करूँगी, थोड़ा ज़ुकाम हो गया है मुझे, मौसम ख़राब होने के कारण थोड़ी सी एलर्जी रहती है मुझे। हल्दी और नमक सिर्फ 2 ही चीज़ इसके अंदर हम ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। बिल्कुल पतली पतली ही रखनी है हमें। तो इसके बाद मैं चढ़ा देती हूँ कढ़ाई। इस कढ़ाई में छौंक लगाने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी तेल, और तेल गरम होने के बाद इसके अंदर डालूंगी मैं राई,
कड़ी पत्ते और जो लाल मिर्च होती है वो साबुत लाल मिर्च, ये तीनों चीज़ एक साथ इसके अंदर डलेंगी। इसकी उसके बाद जो इसकी खटाई आती है ना कड़ी पत्ते की, उसके तो कहना ही क्या है, बस आप खाते उंगलियां चाटते ही रह जाओगे। देखना आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना मेरे कहने पर। मैंने ये सारी चीज़ तीनों बनाने का प्रोसेस बिल्कुल धीरे धीरे दिखाया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। करने को तो मैं जल्दबाजी में भी इस वीडियो को चला सकती थी, लेकिन फिर अगर समझ में ना आए तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता है। देखिए जो मैंने खड़े मसाले बोले थे मैंने वो ही लिए हैं, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च और राई। तो सबसे पहले राई डाल देती हूँ, उसके बाद ये खड़े मसाले। राई को अच्छे से चटकने के बाद जो हमने लस्सी का घोल तैयार किया है वो इसके अंदर मैं डाल दूंगी। उसके बाद मेरे देखिए चूल्हे के ऊपर मेरी शायद खिचड़ी तैयार हो गई है, तो मैं इसको बाहर ले जाऊंगी। गैस उतना ही यूज़ करना चाहिए घर में जितना कि काम चले, बाकी मैं सारी चीज़ चूल्हे पे ही बनाती हूँ और चूल्हे का जो टेस्ट होता है वो गैस से ज़्यादा ही बेस्ट आता है, तो इसलिए छोंक इसमें मैंने लगा लिया है। और खिचड़ी मेरी वहाँ पर मैं देख के आई हूँ, अभी तैयार हो गई है, तो उसको उतार के मैं मेरी कड़ी वहाँ पर चढ़ा दूँगी। तो बाहर आने के बाद मैंने कैमरा फिर से अपना सेट कर लिया है, चूल्हे पे दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे मेरी कड़ी होगी रेडी और इसको है ना ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक या दो उबाल आने के बाद ही हम इसको उतार देंगे। अब भी इसमें थोड़ा सा प्रोसेस बाकी है, जैसे कि ये थोड़ा गर्म हो जाएगा, थोड़ी उबाल आने लग जाएगी तो इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी खिचड़ी भी दिखा रही थी कि मेरी रेडी हो गई। इसके अंदर हम खट्टी मीठी कड़ी बनाने के लिए इसके अंदर डालूंगी मैं चीनी, और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको कितना मीठा चाहिए। मैं मेरे अकॉर्डिंग डालती हूँ, जितने घर में सदस्य हैं और जितना खट्टी मीठी हमें चाहिए। मैंने बहुत बार बनाई है ये, तो मुझे तो देखो एस्टिमेट आने लग गया है। आपको शायद थोड़े अगर फर्स्ट टाइम ट्राई करोगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। उसके बाद डालूंगी, जब इसमें एक उबाल आ जाएगी तो इसके अंदर डालूंगी मैं नींबू। नींबू इसलिए डालना ज़रूरी होता है, कई बार हमारी जो लस्सी होती है वो उतना खट्टापन नहीं देती है, चाहे वो खट्टी हो फिर भी, क्योंकि उसके अंदर पानी ऐड हो जाता है पतली करने के कारण, तो इसलिए हमें लास्ट में बिल्कुल एक उबाल लाने के बाद इसमें मैं नींबू का रस ऐड करूँगी। मैंने 3 नींबू लिए थे, अच्छे से खट्टाई इतनी अच्छी बनी थी कि सबने बहुत तारीफ़ की मेरी कड़ी की, और एक ने तो बोला था कि होटल से लेके आई है क्या, क्योंकि हम टिफ़न पहुँचाते हैं हमारी जो दुकान है उसमें, तो उन्होंने बोला था अंकल को, फिर अंकल बोले नहीं होटल हमारे घर में ही है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को करती हूँ एंड, इसमें अब उबाल आ गई है और हमारी तीनों चीज़ हो गई हैं रेडी। तो आप भी ज़रूर बनाना और बना के बताना मुझे आपको कैसी लगी है। तो राम राम जी सारा, नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करना और शेयर करना। वैसे नींबू डालने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर लेना कि उसमें जो बीज वगैरह हैं वो पहले ही निकाल दें, क्योंकि खाते टाइम अगर मतलब कि जब आप खाओगे ना तो नींबू के वो बीज आ जाएंगे तो टेस्ट बिगड़ जाएगा। एक साइड कढ़ी डालें, एक साइड खिचड़ी और एक साइड सब्जी, तीनों को मिक्स करके खाओगे ना बिल्कुल जैसे कि आप आलू की टिक्की खाते हो ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और घर की चीज़ है, घर की चीज़ों की कोई कहे अगर वह हरियाणवी भाषा में ओढ़ को नहीं होए इतनी हरियाणवी भाषा मुझे आती नहीं है, रीज़न मैंने आपको बता दिया है, स्कूल में भी जाते हैं और थोड़ा शहर में रहे हैं तो इतनी हरियाणवी में आवा को नहीं, इनके पास रह के थोड़ी सी सीखी है मैंने। और ये सब बनाते बनाते देखिए रात हो गई थी,